अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आमिर इकबाल। आज अगस्त की 8 तारीख है 2024। आज मैं दो सब्जियों की सीडलिंग करने लगा हूं, सर्दियों की, लाल मूली और ये तोरी के सीड हैं, इसको काली तोरी भी बोलते हैं। मैं इनके सीड भी आपको दिखाता हूं कि किस तरह के होते हैं। ये देखें, ये तोरी के सीड हैं, फ्रेंड्स ये भालू मिट्टी है और इसमें मैंने गाय का गोबर और की खाद और पत्तों की खाद मिक्स की थी। वो मेरी एक पहली वीडियो मैंने अभी डाली है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। और अब मैं एक एक इंच इसमें होल कर लूँगा। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है और बरसात के मौसम में सीडलिंग तो नहीं करते, लेकिन मैं तजुर्बे के तौर पे करता रहता हूँ ये चीज़ें। इनकी सीडलिंग वैसे सितंबर के महीने में स्टार्ट होती है, लेकिन मैं अगस्त में ही कोशिश करके देखता हूँ कि ये लगते हैं कि नहीं लगते। और इस पे पानी का स्प्रे कर देते हैं, खुला पानी इससे नहीं दे रहा ताकि वो बीज दब ना जाए पानी की वजह से। इसको साइड पे रखते हैं और अब साथ साथ में चाय भी पीता हूँ। ये देखते हैं चाय। ये लाल मूली के सीड हैं, ये इन पे केमिकल लगाया होता है ना ताकि ये ख़राब ना हो। ये देखो, ये भी एक एक इंच में मैं थोड़े थोड़े फासले पर एक एक सीड लगा देता हूँ। क्योंकि अगर मैं इनको फैला के फेंकूँगा तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे पौधे। और इसी मिट्टी से इनको कवर कर दूँगा। और अब मैं इस पर पानी का शावर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले जो मैंने टमाटर की सीडलिंग की थी उसमें 6 मैंने सीड लगाए थे, लेकिन अभी तक एक ही पौधा इसमें से ग्रो हुआ है। और ये कुछ सीड मैंने लगाए थे, ये टमाटर का पौधा, ये भी देखें ग्रो कर गया। इसमें एक ये भी टमाटर का पौधा, इसमें 2-3 टमाटर के पौधे ग्रो कर गए। और इस गमले में ये जामुन के सीड मैंने लगाए थे और ये कीकर का बीज लगाया था। ये पौधा काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। और ये बाकी देखें आप, ये सब टमाटर के छोटे छोटे, ये भी ये सारे टमाटर की शूटिंग शुरू हो चुकी है और वो पौधे भी जल्दी बड़े हो जाएंगे, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको चाय की सुलह तो मार नहीं सकता, इसलिए मैं चाय अकेला ही पीऊँगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी कि सीडलिंग कैसे करते हैं मिट्टी के अंदर। इसी तरह आप भी अपने घर में पौधे लगाएँ और सर्दियों की सीडलिंग शुरू करें। सितंबर के महीने से आप शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सितंबर से ही सर्दियों की सब्जियों की सीडलिंग करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।